तो मुख्य तो यहाँ पे है ना, डी कॉलम में एक्टिविटी लिखी है, सी में प्रायोरिटी और म्यूचुअलिटी, ये दो शब्द लिखे हुए हैं, फिर मेंटर कौन है और लीड वॉलंटियर कौन है, और आगे फिर जो है टीम यानी कि वॉलंटियर मेंबर जो है, और इसमें फिर आगे लिखा है कि डिलीवरेबल्स क्या है, क्या डिलीवरी होनी है फाइनली, है ना, और उसको मेजर कैसे करेंगे, मतलब उसके इंडिकेटर क्या है कि ये काम प्रोग्रेस कर भी रहा है या किसी और दिशा में चल पड़ा है, और फिर ये है सर्विस लेवल एग्रीमेंट। तो अगर हम लोग ऑनलाइन वर्कशॉप सफलतापूर्वक होनी है तो उसमें SLA ऐसे कौन से बिंदु हैं जिनके जिस बेसिस पे हम मानेंगे कि ये वर्कशॉप बढ़िया से हुई, सर्विस लेवल एग्रीमेंट है, मतलब अगर हमने लेटेस्ट जो डॉक्टर बीता है इसके अंदर वर्कशॉप खत्म होने के कितने दिन के बाद तक उत्तर देंगे, विद इन हाउ मेनी डेज ट्रांसक्रिप्ट बन जाएगी, ट्रांसक्रिप्ट बन जाएगा है ना, मान लीजिए थैंक यू लेटर जाने हैं या है ना सर्टिफिकेट पहुंचने हैं, तो ये सारा SLA में है ना डिटेलिंग होनी है इसकी। तो किसी भी एक्टिविटी को जब हम लोग करने जाएंगे या सोचने जाएंगे एज लीड वॉलंटियर, तो फिर हमको ये तीनों मुद्दों की ठीक से स्पष्टता होनी जरूरी है, अपनी अपनी एक्टिविटी की, अपने अपने प्रोजेक्ट की, कि हमारी एक्टिविटी या प्रोजेक्ट के कॉरस्पॉन्डिंग डिलीवरेबल्स क्या हैं, उसके मेजर्स क्या हैं और SLA क्या क्या है ना, उसको जितना हम ठीक से डिटेल कर पाएंगे, आर्टिकुलेट कर पाएंगे, उतना ज़्यादा जो वॉलंटियर्स मेंबर्स होंगे, टीम मेंबर्स होंगे, उनको बात को समझने में, पकड़ने में और अपने पार्ट को कंप्लीट करने में उनको ज़्यादा है ना सहूलियत होगी। इसलिए जो है इस पर हमको लीड वॉलंटियर्स जो भी होंगे हम में से, लीड वॉलंटियर्स को अपने एक्टिविटी और प्रोजेक्ट की स्पष्टता बहुत ज़रूरी है, और स्पष्टता के साथ साथ फिर ये तीनों बिंदुओं को ठीक से वो आर्टिकुलेट कर पाए, फिर हर काम में, छोटे से पार्ट में या टोटल में, होल में जो है इतना टाइम लगता है, तो जितना रियलिस्टिक टाइम का हमारे को असेसमेंट होगा उतना ज़्यादा जो है डिलीवरी भी जो है वो ठीक आएगी, अकॉर्डिंग टू आवर एक्सपेक्टेशन आएगी। कई बार क्या होता है हम टाइम का एस्टिमेट ही नहीं कर पाते हैं, कई बार जल्दबाजी में ये भी बोल देते हैं 2 घंटे में कर देंगे, तो हम भी हमको 2 घंटे से कोई मतलब नहीं, हम उस आदमी को एड्रेस कर रहे थे जो काम पूछ रहा है। एक सेकंड में 5 मिनट में आता हूँ। अगर जो है सामने वाला 2 घंटे ही सुनना चाह रहा है ना, तो हम 2 घंटे बोल देते हैं, फील हम ले लेते हैं, फील है कि एक कौन सी बात में सेटिस्फाई हो जाता है, भले वो 10 दिन में नहीं हो पाए काम है ना गिवन आवर स्पीड, लेकिन हम तो हम जितना रियलिस्टिक एस्टिमेट कर पाएंगे टाइम का है ना, उतना टीम को भी क्लैरिटी रहेगी और मतलब रिस्पेक्ट भी होगी जो हमने एक्सपेक्टेशन सेट की उसकी। फिर बहुत सारी गाइडलाइंस बनाने की जरूरत पड़ती है, कोई भी प्रोजेक्ट कोई एक्टिविटी को हम करना चाहते हैं तो उसकी काम को हम करेंगे कैसे है ना, तो उसकी कुछ गाइडलाइन क्या चीज़ें हैं, इनसे नीचे नहीं जाएंगे क्या चीज़ें हैं, इनसे ऊपर नहीं जाना, तो ऐसी गाइडलाइंस हम डिटेल आउट करते हैं, और वो गाइडलाइंस ऐसा नहीं कि कोई पत्थर की लकीर हो गई है, वो हर एक मियाद के बाद उसको हम इवैल्यूएट करते हैं और गाइडलाइंस को हम रिफाइन करते रहते हैं, तो ये ऑनगोइंग काम है। और फिर बहुत सारे फॉर्म्स, फॉर्मेट्स, लेटर्स, ये चीज़ें बनती हैं, शीट्स बनती हैं, ये सब ये उसका फाइनल है ना। तो वापिस एक बार थोड़ा तो जैसे अगर पहले उसको देखें, कॉल सेंटर है पहला, तो जब से ये ऑनलाइन का काम शुरू हुआ, इनफैक्ट उससे पहले से भी कॉल सेंटर एक चीज है सारे काम में, कि जितने भी एक्टिविटीज हो रही हैं तो उनके बाद जो क्वेरी जनरेट हो रही हैं, चाहे कोई सर्टिफिकेट की क्वेरी आ रही है या कोई और किसी भी तरह की कंप्लेंट्स हैं, तो उसके लिए अब एक और बैकएंड पे कॉल सेंटर काम करता है। तो कॉल सेंटर में 2 डेडिकेटेड लोग हैं, तो मोदी भैया की गाइडेंस में जो है ये चलता है, तो उसमें आरती सिंह जी मुख्य है ना लीड वॉलेंटियर हैं, तो आप में से कुछ लोग हेल्प डेस्क में भी होंगे, आपको भी कई बार क्वेरीज आते होंगे कि मैडम जी मैंने वर्कशॉप कर लिया था, मेरा सर्टिफिकेट लिया, मैंने सारी चीज़ें पूछी है ना, आप बोलते हैं ठहर जाओ भी है ना, 4 हफ्ते लगते हैं आपने, तो ये पीछे से ये आरती सिंह 4 हफ्ते लगते हैं, ये SLA है ना जैसे, तो वो बोलेगा नहीं मेरे तो 5 हो गए फिर दिया करो, तो फिर आप बोलते हैं अच्छा आप एक काम करो, आप जो है NCCIP सब कमेटी पे एक ईमेल डाल दो, तो फिर वो डालते, तो वो वहाँ पे कौन बैठा है, वहाँ पे ये बैठे हैं, ये फिर जो है उसका रिस्पॉन्ड करते हैं और बहुत अच्छे से करते हैं।
कई बार एनसीसीआईपी चेयरमैन के ईमेल आईडी पे तो महीने में 4 क्वेरीज आती है, 5 क्वेरीज आती है, कई लोग थोड़े जल्दबाजी में होते हैं, उनको एंजाइटी होती है, वो सीधे ऊपर कर देते हैं, लेकिन वहाँ पे जो क्वेरीज आ रही है उसका 90% तो ये एड्रेस कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छे से चलता है। और मोती भैया समय समय पर ये गाइडेंस करते हैं कि किस तरह की क्वेरीज आती हैं तो किस तरह के जवाब देने हैं, तो जो भी स्टैंडर्ड क्वेश्चंस आते हैं उसको, या कम से कम बहुत सारी जो क्वेरीज आई उसको कैटेगराइज किया, उसका स्टैंडर्ड बनाया, उसका स्टैंडर्ड जवाब तैयार किया, फिर वो इनको बताया, तो ये फिर उसको उनको लिख के दिया, तो अब ये उसमें है ना जैसा क्वेश्चन आता है वैसा आंसर करते हैं इसमें, तो ये अच्छे से चल रहा है। तो इसी तरह से जो भी आगे लीड वॉलंटियर के बाद जो भी टीम इसमें होगी, तो जितनी भी और काम बड़ा होता जाएगा, वर्कशॉप्स के फॉर्मेट्स चेंज होंगे, है ना, स्कोप बढ़ेगा, इसी तरह से कॉल सेंटर जितना इफेक्टिव होगा, है ना, तो उतना अच्छा। तो ये एक काम वो करते हैं, फिर ये कौन सा है, हाँ ये अब ये एक्टिविटी है कि अब हम लोग पूरे देश भर में लगभग 50,000 लोगों ने वर्कशॉप कर लिया, हर स्टेट में कोई ना कोई ऐसे लोग हो गए जिन्होंने वर्कशॉप किया, और कॉलेज में भी कोई एक एक है। एक आइडिया ये भी बन रहा है कि ऐसे कुछ रीजन वाइज या स्टेट वाइज ऐसे नोडल सेंटर बनाए जाए जो इस होलिस्टिक वैल्यू बेस्ड एजुकेशन के विजन को रियलाइज करने के लिए एफर्ट करें, है ना। एक एक दो दो तो हो गए हैं सब जगह, लेकिन कई बार जो नेसेसरी मोमेंटम चाहिए होता है कॉलेज लेवल पे, उसके लिए चाहिए कि पूरा जो कॉलेज का सोचने का ढंग है वो बदले, तो उसके लिए एक बार 100% लोग अगर उस बात को गो थ्रू कर ले, सुन ले, तो फिर कुछ वहाँ पे कंस्ट्रक्टिव काम हो सकता है। तो नोडल सेंटर डेवलप हो सके इसके लिए ना हम लोगों को ये लग रहा है कि अब देश भर में एक ऐसी मुहिम शुरू की जाए जहाँ पर सेल्फ फेस टू फेस मोड में सेल्फ फंडेड एक्टिविटीज हो सके। तो ये है फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये है लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम वाइस चांसलर्स के लिए, टीम डायरेक्टर्स के लिए, रजिस्ट्रार के लिए, ये है मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये है कॉलेजेस के लिए, तो जहाँ पे एक डायरेक्टर या चेयरमैन, कमेटी मेंबर्स, ट्रस्ट मेंबर्स, HODs ही सारे बैठेंगे, तो वो मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम और ये स्टूडेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो ये हम यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूशंस के लिए करना चाहते हैं। अभी ये एक्टिविटी है क्योंकि ऑलरेडी हम लोग वर्कशॉप्स करवानी शुरू कर दी है, लेकिन इसके यही सेम प्रोजेक्ट भी है जब हमको पूरा इसका सिस्टम डेवलप करना था कि ये कैसे एप्लीकेशन आएंगी, कौन एप्लीकेशन भेज सकते हैं, उसकी डिटेलिंग करनी, उसको अभी बात की और ये सब लोग शेयर करेंगे। तो उसमें ये 7 लोगों की टीम काम कर रही है, चरणजीत जी, अजय पाल जी, महेश भैया हैं, आप 3 लोग इधर हैं, और यशवंत भैया हैं, एन के शर्मा भैया, यशवंत भैया आ नहीं पाए, गौरव भैया हैं और पीयूष शर्मा जी, बाकी लोग आ नहीं पाए, तो ये प्रेजेंट करेंगे कि जो है कैसे ये सारा ऑनगोइंग भी जो चल रहा है और इसका गाइडलाइन डॉक्यूमेंट था पूरी इसकी डिटेलिंग कैसे की, ये एक एक्टिविटी है, इसका प्रोजेक्ट भी है। इसी तरह से कोऑर्डिनेशन फॉर ऑनलाइन वर्कशॉप, आप में से बहुत सारे साथी ऑलरेडी इस काम में लगे हुए हैं, है ना, महेश भैया इस काम को है ना देख रहे हैं, हम पहले से ही देख रहे हैं, तो इंग्लिश के वर्कशॉप का अभी जो लेटेस्ट कोऑर्डिनेशन है सारा वो परीक्षित भैया करते हैं, और हिंदी के वर्कशॉप का सारा प्रिया दीदी करते हैं, तो इसकी सारी डिटेलिंग है। इसको प्रोसेस को और मैच्योर करने के लिए जो भी अभी तक की लर्निंग हुई है उसको रिफाइन करके अभी अप टू डेट सिस्टम बनाने के लिए ये लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं। तो ये अभी एक्टिविटी भी है, लेकिन इसको स्ट्रीमलाइन करने के हिसाब से ये प्रोजेक्ट भी है कि जो भी रिफाइनमेंट्स होनी है वो हो जाएं, फिर हम उसको ऑनगोइंग वाला जो है उसमें इनकॉर्पोरेट कर देंगे, फिर वो एक्टिविटी चलती रहेगी। AICT और UGC के साथ जितना भी कोऑर्डिनेशन है उसको रजनीश अरोड़ा जी जो हमारी NCERT कमेटी के चेयरपर्सन है वो देखते हैं, मैं उनको सहयोग करता हूँ सारे काम में। और इसी तरह से मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने और राजीव आनंद संस्थान ने स्कूल एजुकेशन का जो काम शुरू किया है उसको भानु भैया एक तरह से उसके मेंटर हैं, और जो कपिल जी हैं, महर्षि जी, दिशा जी, इसके टीम मेंबर हैं, यहाँ पे एक लीड वॉलंटियर अभी आइडेंटिफाई करना है, तो जो भी लोगों का इंटरेस्ट हो तो वो इस काम में आ सकते हैं। और RCUC जो रीजनल कोऑर्डिनेटर्स, यूनिवर्सिटी कोऑर्डिनेटर्स, कॉलेज कोऑर्डिनेटर्स की मीटिंग्स हो सकें ठीक से, इसको भी राजू भैया भी कह रहे थे, तो इसमें मुख्य जो लीड है वो मनीषा दीदी की और मुंशी भैया, ये 2 लोग इसमें करते हैं, और 2 मीटिंग चलती हैं, एक हिंदी की बेल्ट के लिए और एक अंग्रेजी की बेल्ट के लिए, तो 2 मीटिंग महीने में एक मीटिंग होती है हिंदी वाली यूसी की और एक मीटिंग होती है इंग्लिश। इसमें बहुत सारा और इफेक्टिवनेस को बढ़ाने का काम करना है, तो उसको हम लोग चर्चा करेंगे आने वाले समय में। उसको इस सारे का जो आइडिया है वो आइडिया ये है कि हर यूनिवर्सिटी में कोई ना कोई यूनिवर्सिटी कोऑर्डिनेटर हो, वहाँ पे UHV का कोर्स चल रहा हो, स्टूडेंट इंडक्शन प्रोग्राम चल रहा हो,
ना आगे चल के माइनर डिग्री के लिए स्पेस क्रिएट हो, हर यूनिवर्सिटी में कुछ एक नोडल सेंटर्स हैं, है ना, ऐसे कुछ हम लोग अपने डिलीवरेबल्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो जो भी राजू भैया भी कह रहे थे वो एक अपने आप में एक्टिविटी है और एक बड़ी एक्टिविटी है। डैशबोर्ड, तो मतलब एक डैशबोर्ड, जितना भी टोटल अभी तक का काम हुआ उसका एक डैशबोर्ड है पूरा, और उसमें सारी जानकारी रहती है कंसोलिडेटेड फॉर्म में और बाइफरकेटेड फॉर्म में भी। तो राजू भैया ने इस पर बहुत सारा काम किया है, अनिल भैया ने उन सहयोग किया है और पूरी टीम है। हाँ तो ये सारा आप लोगों ने मिलकर किया है, हर वीक में भी इनकी एक मीटिंग होती है और उस पर वो बात करते हैं कि इसमें क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए। तो बहुत ही प्रैक्टिकल जो प्रॉब्लम्स आती हैं, चैलेंजेस आते हैं, उसको डील करना और सारे ऑनलाइन के काम को पूरा मैच्योर करने का काम ये वाला काम। और SIP का फॉलोअप, एक तो वेडनेसडे को USB का होता, अभी ये थोड़ा सा ढीला पड़ गया है, मतलब अभी मुझे इसका एग्जैक्ट स्टेटस नहीं पता। सुनील भैया और मोहन भैया इसको कर रहे हैं और उमेश भैया ने इसकी जिम्मेदारी ली है, अभी हम लोगों ने इंटरनली डिस्कस किया था। और हेल्थ वाला जो है वो शर्मिला दीदी की गाइडेंस में चलता है, सुंदर राज जी उसको करते हैं। अभी इसमें एग्जैक्टली क्या चल रहा है तो दीदी ठीक चल रहा है, ठीक चल रहा है, पास हो गया, वाला चल रहा है, अच्छा वो चल रहा है, वो भी चल रहा है, ठीक है, ठीक चल रहा है। मॉर्निंग सेशन गणेश जी की मेंटरशिप में ठीक चलता है, और कुमार भैया और शर्मिला दीदी इसको मिलकर कर रहे हैं। आप छः लोग जो हैं ये छः लोग, तीन लोग इंग्लिश के लिए, तीन लोग हिंदी के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, तो उसका कोई भी कोऑर्डिनेशन है वो इन छः लोगों के साथ प्लस दो प्लस एक, तो नौ जो है वो ये लोग हैं मिलकर कर रहे हैं। RP डेवलपमेंट का काम जो है वो भानु भैया ने अभी रिसेंटली इसकी जिम्मेदारी स्वीकारी है, बट अभी तक जो है कुमार भैया इसको कर रहे थे। और अभी कुमार भैया और भानु भैया ये लोग मिलकर जो है कैसे RP डेवलप हो सके हर कोर्स के लिए, हर टाइप के वर्कशॉप के लिए, तो उसको प्रोसेस ये लोग डेवलप कर रहे हैं। तो उस पर हम लोग और इफेक्टिवली अभी भी हम लोग काम कर ही रहे हैं इस पर, लेकिन इसमें और कितना सिस्टमेटाइज हो सकता है उसको करने का एक, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो काम है, काम सारे ही इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन जैसे सेशन में बात हुई तो यहाँ पे जब हम खड़े होते हैं तो जो है हमारा अपना बहुत डेवलपमेंट होता है, तो उस दृष्टि से ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, मल्टीप्लीकेशन की दृष्टि से भी और हमारे अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस की दृष्टि से ये बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। स्टूडेंट वर्कशॉप भी चल रहे हैं, महीने में एक इंग्लिश का होता है और एक हिंदी का होता है, उसको उमेश भैया आप कोऑर्डिनेट करेंगे आगे से, मोहन भैया अभी इंग्लिश का करते हैं कोऑर्डिनेट, केसी भैया हिंदी का करते हैं, और चरणजीत भैया जो है वो इसका ट्रांसक्रिप्ट बनाते हैं जो सारा है। ये काम थोड़ा सा नीचे आ सकते हैं, अब एक आइडिया ये है कि हम अपने, ये बात तो अब ध्यान में आई है काफ़ी टाइम से कि अपने डेवलपमेंट के लिए एक्सक्लूसिवली हम अपने ऊपर काम करेंगे तब ही अपने ऊपर काम होगा, ऐसा नहीं है। जब हम अपने ऊपर काम करते हैं साथ साथ हम जब किसी और के लिए भी काम करते हैं तो भी हमारे अपने लिए बहुत तेज़ी से काम होता है। तो एक आइडिया ये है कि हर एक व्यक्ति है ना और 10 लोगों के लिए रास्ता तैयार करे, उनको सहयोग करे, उन 10 को तैयार करने में उसकी भी बड़ी तैयारी होती है ना, आप भी ऐसा महसूस करते हैं। तो अभी जो है हम कुछ सर के साथ 10-12-15 लोग हम लोग गाइडेंस लेते हैं, उससे हम लोग अपने आप को डेवलप करने का काम कर रहे हैं, साथ साथ और भी लोगों को सहयोग जितना कर सकते हैं उसको काम कर रहे हैं। तो हम इसको, ये तो हम अपने लिए भी देख सकते हैं कि हम, अब ये बात तो ध्यान में आ गई कि सेल्फ डेवलपमेंट, लेकिन सेल्फ डेवलपमेंट और टीम डेवलपमेंट एक तरह से इंटीग्रेटेड भी है। तो हम में से एक एक व्यक्ति अगर इस बात को सोचे कि मैं भी एक साल मेहनत करके या 2-3 साल मेहनत करके और 10 लोगों के को जोड़ने का काम करूँ और उनको नर्चर करने का काम करूँ, तो ये काम तो एनी वेज हम सबको ही करने की आवश्यकता है। जिसको ये महसूस हो वो आज से ही इस पर काम शुरू करे, तो वो एक ज़रूरी चीज़ है। फिर ट्रांसक्रिप्ट जो बनती है वो हर वर्कशॉप के बाद बहुत ही डिटेल्ड, इतनी सारी शीट्स में काम होता है, इतने सारे फॉर्मूलेज हैं, तो वो सारा काम पांडे भैया और चरणजीत भैया प्रोजेक्ट है ना ये, इसमें यहाँ पर पूछ लेते हैं कि कौन लोग जो वीकली टीम मीटिंग हो रही है उसमें नहीं है, या कौन लोग हैं पहले पूछ लेते हैं, आपके साथ कौन लोग हैं, शर्मिला जी के साथ कौन लोग हैं, ऐसे करते जो है आप किसी ना किसी वीकली मीटिंग में जुड़े हुए हैं ना, मतलब जो
जैसे जितेंद्र जी की वीकली मीटिंग हो रही है, शर्मिला जी की हो रही है, हमारी हो रही है, छोटे ग्रुप्स की जो छोटे कंटेंट शेयरिंग की मीटिंग नहीं कह रहे वन इज टू टेन कनेक्टी के टेन हो गए वो टेन और टेन के साथ में बात कर रहे हैं ना तो वो उसमें कौन लोग नहीं जुड़े हुए या कौन लोग जुड़े हुए पहले एटलीस्ट वो बता दें कौन सी मीटिंग की बात टीम डेवलपमेंट हाँ ये लोग नहीं हैं उनको पता नहीं है लोगों को नहीं ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम लोग ये जो 1:10 है ना ये सिर्फ वहाँ तक नहीं है उसके आगे भी है हाँ ये वाला उसके आगे वाला भी है कि आपके साथ में जो लोग हैं 8-10 लोग हैं उनके साथ में रेगुलर मीटिंग हो रही है स्टार्ट उनके साथ रेगुलर मीटिंग हो रही होगी वैसे जो मीटिंग्स हो रही है उसमें कौन लोग यहाँ पे अगर किसी के साथ जुड़े हुए नहीं है तो उनको जोड़ना है जी एक तो खुद भी जुड़े तो रेगुलर कहीं से गाइडेंस होता है आगे भी लोगों को जोड़ने का है ना एफर्ट करें एक बात है फिर वॉलंटियर बहुत सारे वॉलंटियर्स अब आते हैं अपना इंटरेस्ट दिखाते हैं उनको ध्यान देना उनको जोड़ना उनको सुनना है ना उनको छोटे छोटे पार्टिसिपेशन में लगाना जो भी इंटरेस्ट है कॉन्फिडेंस है तो ये पूरा है ना काम है और इसी के तहत अभी तक बहुत सारे लोग आप सब लोग जुड़े हैं तो और आपके सहयोग से आगे भी ये काम ठीक से हो पाएगा ऐसा लगता है तो इसमें सब लोग पार्टिसिपेट करें एक ये सारा जो काम चल रहा है ये इसमें अल्टीमेटली ये सामाजिक एफर्ट है बहुत बड़ा है और इसमें मन तन धन ये तीनों को इन्वेस्ट करने की बात होती है और ये इन्वेस्ट करना ऐसा नहीं है कि इसका भी FD का प्यार मिलना है ये हमारे सुख भी बड़ा होता है तो मन और तन तो हम लोग लगा ही रहे हैं अपना साथ साथ जो धन को भी लगाने की बात है उसकी आवश्यकता इस सेंस में है कि जितना जितना हम है ना ये मन तन के साथ इसको भी आवश्यकता अनुसार इन्वेस्ट कर पाते हैं कंट्रीब्यूट कर पाते हैं तो ये सारा प्रोग्राम जो है ये सेल्फ सस्टेनेबल बेसिस पे चल पाएगा इसकी बात हम सब कुछ अगले सेशन में और डिटेल में करेंगे तो एक ये काम है फिर बहुत सारी ईमेल्स के रिस्पॉन्सेज समय समय पर बने जो शरद भैया हैं साउथ में वो इस काम को देखते हैं एक्सटेंशन वर्कशॉप्स का भी बहुत एक्टिविटी है उसको भानु भैया करते हैं तो जैसे बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स जुड़े हैं जैसे अभी महेश भैया के साथ फैमिली आए ऐसे बहुत सारे फैमिली पर्सन भी हैं वो जुड़े हैं तो उनके साथ भी कुछ वर्कशॉप को चलाने का काम होता है फैमिली वर्कशॉप उसको बोलते हैं इसी तरह से जो पास आउट स्टूडेंट्स हैं अपने कॉलेज टाइम में जुड़े थे अब वो जॉब में चले गए हैं एम्प्लॉयज हो गए हैं कहीं पर लेकिन उनको कहीं ना कहीं फील होता रहता है कि हाँ वो जो सर बताते थे बहुत इंपॉर्टेंट था तो एल्यूमनाइज का वर्कशॉप करना तो ये सारे क्या हैं एक्सटेंशन के काम हैं तो ये भानु भैया इसको करते हैं इसी तरह से फैमिली वर्कशॉप न्यूज़लेटर काम कई बार इतना ज़्यादा हो रहा है हमारा काम पे इतना सारा ध्यान है हम अपने काम को कई बार डॉक्यूमेंट ही नहीं कर पा रहे हैं आप प्राचीता भी इसको कोऑर्डिनेट कर रहे हैं तो उसको फील कर रहे होंगे वो मैसेज करते हैं तो जवाब ही नहीं दे पाते और अपने डिलीवरी को तो वायलेट करते ही हैं बार बार तो अगर हम लोग एक मंथली या प्रेफरेबली एक मंथली या क्वार्टरली न्यूज़लेटर बना सके तो कम से कम कभी जब बड़ी जगह पर उसको प्रेजेंट करने की जरूरत होगी तो हमको बहुत सारा हाँ रेडी रहेगा और हमको उस टाइम फ्रेश नहीं सोचना होगा जैसे नैक का जब अप्लाई करते हैं ना तो जूठा कागज बनाना पड़ रहा है क्योंकि पहले बनाया नहीं तो सारा जो है वो नैक वाली कंडीशन यहाँ ना क्रिएट हो इसके लिए ना आप ये इसको करने की नीड है इसी तरह से सोशल मीडिया पे भी प्रेजेंस हो क्योंकि जितना लोगों के पास टाइम का शॉर्टेज हो गया तो टीचर की एक कला ये भी है कि कम से कम समय में ज़्यादा ज़्यादा गहरी बात नेक्स्ट जनरेशन को समझा सके उसके लिए ये बहुत ही प्रभावी माध्यम है बात को कन्वे करने का सब लोग ऑनलाइन में जुड़ चुके हैं तो छोटे छोटे वीडियो लेक्चर्स बनाना एसेंस क्या है उसका समझाने के हिसाब से तो दीदी जैसे उसको कुछ कर भी रहे हैं ऑडियो वीडियो का काम तो बाकी लोग भी हैं टीम में तो वो एक काम है फिर रजिस्ट्रेशन और डाटा मैनेजमेंट रिकॉर्डिंग्स हो रही हैं इतना ह्यूज डाटा हो रहा है कोई डाटा ऑब्सोलीट हो गया उसको हटाना
फ्रेश इम्पोर्टेंट रिकॉर्डिंग्स हैं उनको एक जगह जमा करना और सभी लोगों तक पहुंचाना, ये सारा रिकॉर्डिंग मैनेजमेंट का भी काम है। तो इस तरह से और है कि वेबसाइट मेंटेनेंस का काम, रजिस्ट्रेशन और डाटा मैनेजमेंट, इतना डाटा 1.25 लाख लोगों ने रजिस्टर किया, 80,000 लोगों ने वर्कशॉप को पार्टिसिपेट किया, ज्वाइन किया, 45,000 ने सर्टिफिकेट लिया। तो इसके पीछे जो बहुत सारा समय और ऊर्जा लगी है तो ये यहाँ पे काम हुआ है। इसी तरह से वेबसाइट मेंटेनेंस का काम अभी दिवेश जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो दिवेश जी जो है इस काम को भी कर रहे हैं आदित्य जी के साथ। तो वर्कशॉप के रिकॉर्ड कि किस आदमी ने, किस पीआरपी ने, को फैसिलिटेटर ने, ऑब्जर्वर ने कहाँ वर्कशॉप लिया, कब लिया, है ना, ये सारा एक सिस्टम एक्टिविटी है पूरी। और यूट्यूब के जो चैनल्स हैं अपने यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज के, उसको मेंटेन करना, उसको डेवलप करना, ये भी एक काम है। और जो मंथली मीटिंग्स होती हैं हमारी या वीकली मीटिंग होती हैं, तो ये अभी कुल मिला के 27 ऐसी एक्टिविटीज हैं तो जो चल रही हैं। उसमें से ए प्रायोरिटी आइटम जो है उसके लिए हमको लीड वॉलेंटियर्स आइडेंटिफाई करने हैं। तो आप में से आप ये सारी एक्टिविटी को आपने सुना भी, आपको अपने कॉम्पिटेंस, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, अपने टाइम के अवेलेबिलिटी के हिसाब से, स्किल के हिसाब से जो आपको लगता है कि आप कहीं कॉन्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, आप उसको सोच लें। हम लोग जब अगले सेशन में बात करेंगे तो आपका जो भी इंटरेस्ट होगा उसको हम लोग नोट कर लेंगे और फिर हम लोग मिलकर उस एक्टिविटी को कोऑर्डिनेट करेंगे और अगर प्रोजेक्ट होगा तो उसको डेवलप करने का काम कर सकते हैं। तो ये कुछ 27 एक्टिविटीज़ हैं जिनको हमने लिस्ट डाउन किया, कुछ छूट भी गई होंगी तो, बट ये बाय लार्ज ही हैं। तो इसी तरह से प्रोजेक्ट हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स हैं वो भी मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो एक AICTE का रिपोर्ट है, ये 5 साल का एक पूरा चैप्टर 2017 से 2022 तक ये चैप्टर यहाँ पे आया है। तो इसका संकलन का काम करना है, इसका कंसोलिडेशन का, डॉक्यूमेंटेशन का काम करना है। अपराजिता देवी ने उसको उमेश भैया के साथ मिलके कोऑर्डिनेट करने का काम शुरू किया है। तो वो हम लोग को समय से पूरा करना है, जो हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। तो एक ये है कि ऑडियो वीडियो कटिंग जो है की कंटेंट से, या ऑडियो वीडियो कटिंग सेल्फ इवैल्यूएशन से, जो सेल्फ इवैल्यूएशन है वर्कशॉप्स या मॉर्निंग सेशन के, तो वो कुमार भैया की जिम्मेदारी में है और अपराजिता दीदी और रेवती दीदी जो है उसको मिल के काम कर दिया है यहाँ पे। तो जिस तरह अच्छा ऊपर थोड़ा ऊपर, हाँ थोड़ा नीचे, ये एक डाटा क्लीनिंग का काम है। तो ये राठौर भैया अभी करते हैं, बहुत सारा डाटा जब लोग रजिस्टर करते हैं अपने अपने कॉलेज के, एक ही कॉलेज के 4-5 तरह के नाम होते हैं, एक निक नेम होता है, बड़ा वाला नाम होता है, एक कुछ और होता है, तो वो सारा ये आइडेंटिफाई करना है ना, डाटा को क्लीन करना कि एक ही कॉलेज जो है 5 तरीके से रजिस्टर्ड है, तो उस कॉलेज से कितने लोगों ने वर्कशॉप किया है, एक उदाहरण है डाटा क्लीनिंग का। तो ये काम जो है बहुत ही लेबोरियस काम भी है और इसमें बहुत एनर्जी लगती है। तो ये काम जो है करते हैं और इसमें और भी कुछ लोगों का अगर इनका एक्सपर्टीज हो, वो इसमें अगर इंटरेस्ट रखते हों तो वो लोग भी इस काम को टेकअप कर सकते हैं। इसमें सीखने का बहुत सारा अवसर भी है। और ऑनलाइन वर्कशॉप के लिए गाइडलाइन को डेवलप करना, ये उमेश भैया के साथ, परीक्षित भैया, मोहन भैया, नीचे कुछ और भी है क्या, इसी तरह से सेल्फ फंडेड जो फेस टू फेस वर्कशॉप है, अभी एक्टिविटी थी, अभी क्योंकि वो चल भी रही हैं, लेकिन अगर उसको लार्ज स्केल पे करना चाह रहे हैं तो उसका सिस्टम डेवलप करना था, तो उस पर कुछ हम लोगों ने वर्किंग की है, लोगों ने वर्किंग की है, तो कैसे किया है था। फिर जो स्कूल का एक्सपेरिमेंट हुआ मध्य प्रदेश में, कुछ स्कूल्स के प्रिंसिपल्स के साथ वर्कशॉप हुआ, कुछ टीचर्स के साथ वर्कशॉप हुआ, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग है, तो उसको कट करके एक एसेट, लर्निंग एसेट के रूप में डेवलप करना, ताकि जो लोग भी फ्यूचर रिसोर्स पर्सन है या टीचर्स हैं वो तैयार होना चाह रहे हैं
तो उस एसेट के सहयोग से वो जो है तैयार हो सके। तो ये एक काम है, अगर किसी के पास समय हो, इंटरेस्ट हो, स्किल हो, तो वो उस प्रोजेक्ट को कर सकते हैं। पब्लिकेशन का काम और ई पब्लिकेशन का, ये इतनी सारी किताबें जो हैं ये पब्लिक पब्लिकेशन है, तो वो पब्लिकेशन का जो किताब रेडी हो जाती है, वहाँ से पब्लिश करवाने तक बीच में बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, उसका ISBN नंबर लेना, उसका डिजाइनिंग बनाना, लोगो सेट करना, उसकी फॉर्मेटिंग करना, उसके फॉन्ट सेट करना, प्रिंटिंग करके देना, बहुत सारी चीज़ें थी मेरे को पता भी नहीं है। तो वो जो है अभी मोती भैया के उसमें चलता है, संजीव मुरादा जी दिल्ली में है, इनका अपना पब्लिकेशन यूनिट है, तो उनके साथ है। तो अगर किसी का इसमें एरिया हो तो वो जो है यहाँ पे सहयोग कर सकते हैं। और स्कूल एजुकेशन में मटेरियल अगर किसी का इंडिजाइन का एक्सपीरियंस है तो वो तुरंत कर सकते हैं, बहुत जरूरत है। डिजाइन में अगर कोई काम किया हो, या कोई सीख सकता है। हाँ, और स्कूल एजुकेशन के लिए मटेरियल डेवलप करने का काम हो रहा है, 9वीं क्लास से लेके 12वीं क्लास तक UHV का उसको लागू करने के बाद मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में हो गई है ऑलरेडी, डिसीजंस इन राइटिंग हो गया है, सिलेबस भी बन गया, सारा किताबें बन गई हैं। एक आइडिया ये बाद में सुझाव आया था कि बच्चों को कोर्स के साथ साथ पढ़ाने के साथ साथ अगर हम कुछ प्रैक्टिस के लिए वर्कबुक भी, एक्टिविटी शीट भी दे दें, तो जो बात वो समझ रहे हैं, फॉर एग्जांपल वो ट्रस्ट के टॉपिक को समझ रहे हैं, तो कैसे इंटेंशन को वो समझे, तो उसके लिए क्या प्रैक्टिस हो सकती है, तो उसके लिए वर्कबुक डेवलप करने का काम हो रहा है। तो वो पान भैया की गाइडेंस कहाँ चला गया हूँ, उसमें जब 3 महीने सेशन चल जाता है और उसके बाद 1 महीने हम लोग शेयरिंग सुनते हैं, तो शेयरिंग की ट्रांसक्रिप्ट बनाना, उसको डॉक्यूमेंटेशन फॉर्म में लाना, उसमें से इम्पोर्टेंट शेयरिंग जो है जिसमें एक्चुअली में रियल टाइम कुछ एसेट्स दिखाई दे रहे हैं, उसको कट करना, उसको किताब के फॉर्म में भी, उसको रिकॉर्डिंग के फॉर्म में भी, ऑडियो वीडियो के फॉर्म में भी डेवलप करना, ये मेरी जिम्मेदारी में है। मैं इसको कर नहीं पाया बट मैं इसको शुरू करूँगा दोबारा से। माइनर डिग्री के आने के बाद ये डिसीजन हुआ था कि जो स्वयं का कोर्स है, स्वयं के माध्यम से जो गवर्नमेंट के पोर्टल हैं, ये हम माइनर डिग्री को पढ़ाएंगे, क्योंकि अभी ये सारे एडवांस कोर्सेज को पढ़ाने के लिए हर कॉलेज में टीचर तैयार होंगे ऐसा नहीं है, तो हम लोग इसको सेंट्रल जगह से पढ़ाएंगे, और धीरे धीरे जब कॉलेज में इन सब कोर्सेज को पढ़ाने के लिए टीचर तैयार हो जाएंगे, तो यूनिवर्सिटी फैसला ले सकती है कि हम फेस टू फेस मोड में पढ़ाएंगे। UHV 3 का जो कोर्स है वो कुमार भैया ने डेवलप किया है, वो ऑलरेडी उसको डाल दिया है स्वयं के पोर्टल पे, हम लोग भी उसको उसका लाभ ले सकते हैं, हम लोग को लिंक मिल सकता है, और हम जो पर्टिकुलरली जो लोग अपने आप को डेवलप करने का काम कर रहे हैं या सेशंस ले रहे हैं, उनके लिए UHV 3 की रिकॉर्डिंग्स को सुनना बहुत उपयोगी है, तो वो लिंक आपको अगर ज़रूरत लगे तो आप हम लोगों से ले सकते हैं, आपके पास होंगे भी। इसी तरह से UHV 4, 5 और 7 ये होलिस्टिक हेल्थ का ये भी रेडी हो गया है, इसकी कोर्स तो रेडी हो गया है, पुस्तक भी इसकी बुक रेडी हो गई है, इसकी रिकॉर्डिंग का काम होना है ना दीदी। एक्चुअली कोर्स भी पूरी तरह रेडी है, PPTs वो अच्छा हाँ वो काम होना है उसमें। आप लोग अगर आपका कोई इंटरेस्ट है, यदि आप किसी को जानते हो तो आप उनके भी नाम सजेस्ट कर सकते हैं कि हाँ मैं तो इस इधर बिजी हूँ, लेकिन मेरी जो साथ में वॉलंटियर है वो इंटरेस्टेड होती हैं इस तरह के काम में, तो आप लोग सजेस्ट कर सकते हैं। फिर टीचर्स के लिए एक हेल्थ का, होलिस्टिक हेल्थ का वर्कशॉप डेवलप करना है, फिर इसी तरह से स्टूडेंट्स के लिए डेवलप करना है, ये और आगे का काम है। और इसी तरह से रिसर्च प्रोजेक्ट, एक प्रोजेक्ट है कि UHV का जो इम्पैक्ट है वो हेल्थ के ऊपर क्या है, ये दीदी के उसमें होना है। ट्रांसक्रिप्ट डेवलपमेंट फॉर न्यू वर्कशॉप टाइप्स, तो ये अभी तो हम लोग UHV 2 को ज़्यादा कर रहे हैं या UHV इंट्रोडक्टरी कर रहे हैं, तो जो और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वर्कशॉप्स हैं उनके लिए ट्रांसक्रिप्ट का सिस्टम डेवलप करना ये काम है, इसमें आप लोग सहयोग कर सकते हैं। फिर इस वेबसाइट को ना और भी अच्छे से डेवलप करने की ज़रूरत है, ताकि ये मतलब हर टीचर के लिए एक
रेफर करने वाली जगह बन जाएगी, अगर उसको कुछ भी मटेरियल चाहिए, वो जानकारी चाहिए, तो वो इधर आए, है ना। ये रिलायबल सोर्स बने, बहुत सारा काम करना है आप में से अगर किसी का इसमें इंटरेस्ट हो। देवेश मलिक जी है अभी AICT वाला, तो जो है उसमें देवेश जी के साथ आप लग सकते हैं। इसमें एक वेबसाइट और है जो पहले से चल रही है, UHV.org.in। तो ये काफ़ी समय तक इसको चलाया, लेकिन फिर अब AICT को डेवलप, लेकिन एक वेबसाइट इसको भी और फुल फ्लेज्ड वेबसाइट डेवलप करने की ज़रूरत है। इसमें पवनजोत कौर हैं और एक नीचे और आस्था है, शायद आस्था जैन, और नीचे बोलो। हाँ ठीक है, हाँ वो कर रहे थे, बट वो अभी बच्चे थे, स्टूडेंट्स, तो उसमें शायद ठीक से नहीं। इनकी कंपनी है, जरा भैया थोड़ा नीचे ना। उस वेबसाइट में जितना काम होना है वो और बहुत सारा काम होना है, और वो जो लोग कर रहे हैं अभी वो एक कंपनी चलाते हैं, तो वो भी बहुत बिजी है, तो अगर हम लोग उसको उसकी जिम्मेदारी ले पाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अपनी जिम्मेदारी में कराना पड़ेगा उसको, उसको कर रहे हैं ठीक से, और डैशबोर्ड को डेवलप करने का काम अनिल राठौर जी के पास है, पीएन पांडे जी सहयोग में है, और सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी पे एक कोर्स डेवलप करने की बात है, FDP डेवलप करने की बात है, गोपाल भैया के उसमें है ये जिम्मेदारी में। और एक ये डेवलप करना है कि SIP क्या है ना। अभी बहुत सारे लोग SIP को जब करते हैं तो वो कुछ कुछ एक्टिविटी करा देते हैं, फिर वो कॉलेज में आपको पता ही है कैसे चल रहा है या कैसे चलता है ना जब तक। तो हम अगर इसको एक अच्छा प्रोजेक्ट बना के ये FDP कंडक्ट करते, भले ही एक दिन की FDP हो, कि SIP क्या है और SIP को कैसे कंडक्ट करना है, और UHV कैसे उसका बैकबोन है या उसकी आत्मा है, तो पूरे SIP को वो देखें, तो ये इस पर है ना एक काम होना है। तो फिर इसी तरह से इंडियन नॉलेज सिस्टम का जो मटेरियल है, तो अभी SIP में देखेंगे तो 9 मॉड्यूल हैं, उसमें से एक UHV है, तो बाकी के जो 8 मॉड्यूल हैं वो मॉड्यूल्स के लिए भी कंटेंट को डेवलप कर सकें, है ना, तो वो एक काम है। तो राघवेंद्र दुबे जी हैं मध्य प्रदेश से, तो ये उसके लिए वॉलंटियर में है। तो ई लेक्चर्स शेयरिंग फ्रॉम फेस टू फेस वर्कशॉप वेन एवर रिकॉर्डेड, जहाँ जहाँ रिकॉर्डिंग हो कुछ इंपॉर्टेंट लेक्चर, तो वो मेरे नाम पर लिखा हुआ है, जब इसको शुरू करेंगे तो फिर इसको देखेंगे। और जो भी कंबाइंड मंथली मीटिंग्स हैं अभी, वो मुख्यतः तो मेजर भैया ने ही ली हैं, कुमार भैया ने, तो उसमें जो अच्छे कीनोट हैं, काफ़ी सारे कीनोट सेशन जो हैं उसमें वो बहुत अच्छे हुए हैं, बट क्योंकि वो पता नहीं ठीक से हम लोग एडाउट तरीके से तो कहीं कहीं रखा हुआ है, लेकिन उसको एक जगह संकलन करने की बात है और वो सबको अवेलेबल कराने की बात है, तो उसको ऑर्गेनाइज करना है। फिर रीजनल कॉन्फ्रेंसेस जब भी हो तो उसको ठीक से रिकॉर्ड किया जाए, दीदी के नाम पे हमने लिख दिया था पूछे बिना, तो इसी तरह से मॉर्निंग सेशन के जो पुराने बैच हुए, बैच 1, 2, 3, 4 है ना, उनका टॉपिक वाइज उनका आइडेंटिफिकेशन करना और वीडियो कटिंग करना, कंसोलिडेशन करना, ये एच कर रहा है कि कहाँ गए पहले चले हैं, आपके नाम पे लिखा हुआ है, इस पर हम लोग भी बात कर लेंगे। हो रहा है। अच्छी बात है। तो रजिस्ट्रेशन डेवलपमेंट
तो ये देवेश जी इसका कुछ काम कर रहे हैं अभी, कुछ जानकारी नहीं है ज़्यादा, और ये स्वयं के कोर्सेज को डेवलप करना, वहाँ पे एक्टिविटी में था स्वयं के कोर्सेज को चलाना, क्योंकि एक बार कोर्स बन के पोर्टल पे आ जाएगा फिर हर साल उसमें कुछ रजिस्ट्रेशन होंगे, 1,000, 2,000, 10,000, 20,000 बच्चे उसमें रजिस्टर करेंगे, तो बच्चे असाइनमेंट ठीक से करें, है ना, बच्चों का वीकली फॉरम में डिस्कशन ठीक से हो सकें, वो एक्टिविटी है, पर जब कोर्स को डेवलप करना है तो वो प्रोजेक्ट है ना, जो अभी बात हो रही थी। इसी तरह से प्रिपेयरिंग फैकल्टी टू टीच UHP 1, ये काम हमको करना है। तो और UHP 2 की जो लेक्चर है अभी 28 लेक्चर है, उसको समरी फॉर्म में अगर हम रिकॉर्ड कर सकें, कि टीचर को क्लास में जाने से पहले अगर 10 मिनट के अंदर, जैसे टीचर मैनुअल होता है ना, वो तो पढ़ना होता है, अगर एसेंस को हम जो है कुछ रिकॉर्डिंग्स डेवलप कर सकें, तो टीचर बस में बैठ के भी क्लास जाके क्लास लेनी है अपनी, तो बस में बैठ के भी अगर उसको सुन ले तो उसको एक एसेंस पता लग जाएगा कि इसको ध्यान में रखते हुए आज की क्लास को मुझे भैया ये लेक्चर समरी उसका UHP 2 का ये ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, बैच 3 जो मॉर्निंग सेशन में हुआ था ना उसमें रिकॉर्डेड है, उसको सिर्फ कट करना है। और उसमें लाइकली जो FAQs होते हैं उसके अच्छे आंसर्स भी रिकॉर्डेड है ऑलरेडी, तो उसको थोड़ा सा दुरुस्त करने का काम करना है, वो हो जाएगा तो एक अच्छी एसेट हमारे पास तैयार हो जाएगी और पूरे देश भर में फिर जो है उसको टीचर लोग यूज़ कर सकते हैं। ये काम है, इसके लिए हम लोग को टीम डेवलप करनी है, बहुत सारे काम है, आपको नींद आने लग गई इतने सारे काम सर के तो अभी बस चलते हैं। तो YouTube चैनल डेवलपमेंट का जो काम है, ये एक और है, तो चैनल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ये दो हैं कुछ लिए हैं। एक वो सेल्फ लर्निंग वीडियोस का भी था ना जी, सेल्फ लर्निंग वीडियोस का बनाया जा रहा था। तो अभी इतना सारा है और इतना एक बार हम लोग इसकी अभी ये लग रहा है कि 2023 में हम लोग काम करके ये इतना सारा काम अगर हम 2023 में कर सकें, इसके लिए टीम्स बना सकें, लीड मेंटर्स, लीड वॉलेंटियर्स और टीम मेंबर्स, इतना अगर हम टीम्स हर जगह इन प्लेस हो जाएँ तो, और ये सब फिर रेगुलर चलने लगे तो फिर हम काफ़ी आगे बढ़ जाएंगे। इतना है जी। जी ये प्रोजेक्ट लिस्ट खत्म हो गई थी अभी, अदरवाइज मत दीजिएगा। मैं इसमें जो चीज़ है ना, जो रीजनल ट्रांसलेशन की जो काम चल रही है, जैसे मराठी में ही अजय भैया कर रहे हैं, उसका थोड़ा काम बन चुका है, उसको ऐड कर सकते हैं। हाँ, तो अभी पंजाबी में बुक का ट्रांसलेशन होना है, मराठी में होना है, बंगाली में होना है, तो भैया पढ़ रहे थे तो उसमें आया नहीं इसमें ट्रांसलेशन नहीं आया उसमें, तो वो ट्रांसलेशन भी काम है। हम लोगों ने UHP 2 का जो बुक है उसको एक फर्स्ट राउंड किया था, क्योंकि बहुत रिफाइनमेंट हो गया है, कोर्स बहुत रिफाइन हो गया है, तो उसका सेकंड वर्जन करना है, बट ये जो काम आपने भी बताया ये ट्रांसलेशन के काम में है। इसी तरह से बंगला में भी होना है, जितने भी जगह पे है ना लैंग्वेज में हो सकता है, अच्छा होगा इसको हम अपनी है ना माँ बोली में पढ़ाएंगे तो बच्चे जल्दी से कनेक्ट करेंगे। आ गया भैया। हाँ, UHP ट्रांसलेशन में UHP 2 बुक नॉट रैंडम, मतलब अभी तो ये ना पंजाबी में हमारे यहाँ कहावत चलती है, जड़ा खोले वही बुआ खोले, मतलब इसने बोला ना लगता है गेट पे कोई आया, तो बोले हाँ तुम ही जाके खोल के आओ। इसमें ये ट्रांसलेशन ऑफ UHP 2 टेक्स्ट बुक एंड टीचर्स मैनुअल इसको इसमें क्या ले ट्रांसलेशन और अलग प्रोजेक्ट होगा ट्रांसलेशन ऑफ स्लाइड्स इनटू ऑल दी लैंग्वेजेस, स्लाइड्स और वो जो अपनी रिपोर्ट वो है डॉक्यूमेंट है HVB का, वो सब एक्टिविटी में डालोगे भी ट्रांसलेशन की कोई एक्टिविटी चल रही है। हाँ, लेकिन अगर हमको इसका इवैल्यूएशन करना है इस प्रोजेक्ट का, तो हम तो ये पूछेंगे कि ये किताब का ट्रांसलेशन कितना है, दैट्स ऑल, या ये स्लाइड्स का ट्रांसलेशन कितना है, UHP जो 5-day वर्कशॉप है उसकी स्लाइड्स का कितना है। ये प्रोजेक्ट भी प्रायोरिटी वाइज भी ए है, कौन सा
ट्रांसलेशन बुक्स का वैसे तो बहुत सारे ये लगते हैं, इसको बी में रख दो। बी में रख दो। एक बात सजेस्ट करो भैया, जो हिंदी में जो भी शुरू हो जाएगा उसको ए में कर देंगे। वो बी में भी इसलिए गया कि भैया ने बोला कोई कर दो रहा नहीं, तो चल पहले जो इतने सारे लिखे हैं उसको कर ले। आप बताइए सर। हाँ, अभी जो हम फॉन्ट यूज करते हैं यहाँ पे हिंदी लैंग्वेज के लिए, अगर आपके लैपटॉप में वो फॉन्ट होगा तो ही दूसरे लैपटॉप में वो दिखेगा, अदरवाइज वो दिखता नहीं। जो देवनागरी फॉन्ट देवली वगैरह फॉन्ट यूज करते हैं वो, इसके बजाय हम अगर गूगल फॉन्ट यूज किए ना तो वो हर लैपटॉप में मोबाइल में दिख जाएंगे। इसका मैंने एक किया है, जैसे मेरे लैपटॉप में वो आपके फॉन्ट नहीं थे तो मुझे नहीं दिख रहा था वो, तो मैंने वहाँ पे गूगल फॉन्ट यूज किए तो वो सभी जगह पे दिखता, फिर मोबाइल पे भी दिखता है वो सब जगह मिक्स पे है। हाँ, अभी वो सिर्फ दिख बाकी जगह पे दिखता नहीं, अगर आपके आपके लैपटॉप में होगा तो ही दिखेगा वो। अभी बहुत सारा स्टैंडर्डाइजेशन करने की जरूरत है, फॉन्ट की, फाइल नेमिंग की, डायरेक्टरी स्ट्रक्चर की, सब बहुत सारी चीजें करने की जरूरत है। अभी मेरा तीन जगह पे अभी सेशन था इंडक्शन प्रोग्राम में, तो मैंने वो गूगल फॉन्ट यूज किए थे वहाँ पे, वो वैसे के वैसे रखा बट गूगल फॉन्ट यूज करके वहाँ पे डाल दिया, तो फिर वहाँ गया तो फिर वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं हुई मुझे। फॉन्ट लोड करने में तो 5 मिनट लगते हैं, तो उसमें भी कोई इशू नहीं है, बट आपका क्या पॉइंट है? ये प्लान बी क्या है? मतलब ये तो पहले ए लिखा है उसको पहले कर लो प्रायोरिटी। अच्छा, प्लान बी नहीं, ये प्रायोरिटी है, प्रायोरिटी है। अगर कोई भी बी को तैयार कर रहा है, करने का मन बना रहा है, तो उसको ए में डाल देंगे, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं। हम तो तैयार है सबको ए में डाल देंगे, बट ऑलरेडी बहुत सारा लगता है।